हाय गाइस, मैं हूँ श्रेया गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो बनता बंगाल और बिहार में जरूर है लेकिन फेमस पूरे इंडिया में है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। मैं बात कर रही हूँ झाल मुड़ी की। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मुरमुरे यानी मुड़ी। मुड़ी को सबसे पहले हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट, से कढ़ाई में डालेंगे और हाई हीट पे हम इस तरह से भून लेंगे। मुड़ी को इस तरह से भून लेने से ये और भी क्रिस्पी हो जाएगी और आपको मज़ा और भी आएगा। हमारे मुरमुरे भून के तैयार हैं, इसे अब हम वापस बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब इस सेम कढ़ाई में हमें ड्राई रोस्ट करना है पीनट्स को। मैं यहाँ पे लगभग एक कप पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर इसके छिलके निकाल लेंगे। तो हमारे मूड़ी और पीनट्स दोनों ही भुन चुके हैं। अब हम करेंगे झाल मूड़ी को असेंबल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे मूड़ी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मूड़ी ले लीजिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले ले रही हूँ 2 टेबलस्पून टमाटर, 2 टेबलस्पून खीरा भी लूंगी, 2 टेबलस्पून प्याज, साथ में लेंगे लगभग 2 टेबलस्पून बॉईल किया हुआ आलू जिसे हमने चॉप कर लिया है, स्वाद अनुसार ग्रीन चिलीज जिसे हमने चॉप कर लिया है, मैं यहाँ पे लगभग 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, जरा सा नमक जो हमारे रोस्टेड पीनट्स है उसे भी हम ले लेंगे लगभग 2 टेबलस्पून, और फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है ये, अचार का जो तेल होता है जिसमें मसाले एकदम भरे हुए होते हैं उसे हम लेंगे 1 टीस्पून। इससे जो झाल मुड़ी है वो बहुत ही चटपटा बन जाएगा। और इन सभी चीज़ों को अब हमें मिक्स करना है, जेंटली कीजिए जिससे मुरमुरे टूट ना जाए। हमने इसे टैंगी टेस्ट देने के लिए अचार का तेल यूज़ किया है, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इमली का चटनी भी। हमारा झाल मुड़ी मिक्स ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिए के पत्ते को हमने चॉप कर लिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। झाल मुड़ी को हमेशा जल्दी मिक्स कर लें इससे पहले कि जो हमारे मुरमुरे हैं वो सॉगी हो जाएं। तो प्लेटिंग के लिए आज हम प्लेट यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वो चीज़ जिसमें यूजली झाल मुड़ी सर्व होती है, एक कोन जिसे हमने पेपर में से बनाया है। इस तरह से इसे फिल कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा झाल मुड़ी। इसको अब हम बस थोड़ा सा टॉपिंग देंगे लेमन जूस का, ज़रा सा लेमन जूस ऊपर से निचोड़ के देंगे हम इस तरह से। साथ ही साथ हम लगाएंगे आलू का भुजिया और ये हमारा झाल मुड़ी बनके तैयार है। इसे आप घर पे इमीडिएटली ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग स्नैक है और आपको इससे बंगाल और बिहार का एक अमेजिंग स्ट्रीट फूड का फ्लेवर भी मिलेगा। मैं तो इसे अभी इंजॉय करने वाली हूँ, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।